रुक जाओ। छोड़ दो, चलो यहाँ से, चलो, नहीं मारना है, चलो। ए! रुक जाओ। तुमने इन्हें क्यों मारा? मेरी माँ को गंदी नजर से देख रहे थे, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए एक एक को पकड़ के मारा। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है। अगर मेरी माँ को किसी ने गंदी नजर से देखा तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ को किसी नजर से देखना चाहिए, इन्हें पता नहीं है। देख रहे हो विजय जी, इसके तेवर तो देखो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अब तक कितनों को मारा है सर? 30 लोगों को मारा है। तो फिर सर, मुझे अपनी माँ को पढ़ाना है, उसका ध्यान रखना है। जो मेरी तरह ध्यान रखेगा उसी से शादी कराऊंगा। और ये सब करना है तो मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए सर। कोई ऐसा बताए जो हमें गोद ले सके सर। हम दोबारा स्टेशन नहीं जाएंगे सर। बस इतना ही कि कुछ और बाकी है? बस इतना ही। बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां जाकर बैठो। विजय जी सर, इन सबसे दस्तखत लेकर इन्हें छोड़ दीजिए। ओके सर, चलता हूँ सर। ए, बैठिए। एक एक करके लाइन में आओ। सॉरी सर। लाइन में लग के आओ। हाँ सर, ठीक है। यहाँ साइन करो। एक एक करके आओ। दोबारा नहीं होगा सर। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? मेरी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मर गई। दुख बांटने के लिए और अपना दुख किसी को सुनाने के लिए मेरा कोई नहीं है। मेरा दुख बांटने के लिए अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे दुखों को मैं खत्म कर दूंगा। रहोगे ना? इसकी असली वजह कौन है? असल में यहां हो क्या रहा है? ये सब हम रोक क्यों नहीं पा रहे? हमारे पास रोकने का पावर भले ही ना हो, लेकिन हम रोक ना पाए इतना पावर उसके पास है सर। कौन है वो? एक राक्षस जब इंसान के रूप में पैदा होता है वो वैसा ही है सर। नाम है जीजा। लैंड कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेटिंग हाउस, ऐसे बहुत सारे इलीगल बिजनेस है सर उसके। अगर उसके काम के बीच में कोई आ गया तो, या उसे जो दस्तखत चाहिए वो उसे नहीं देने वाला कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो उसका नाम और निशान मिटा देता है सर। एक कंप्लेंट भी नहीं है, फिर उसे कैसे अरेस्ट करें सर? भले ही उसके खिलाफ कंप्लेंट ना हो, कंस्पिरेसी से अरेस्ट करो उसे। सिर्फ उसे ही नहीं, उसका नाम लेने वाले हर एक को अरेस्ट करो। राक्षस को रक्षक क्या होता है ये दिखाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग होम मिनिस्टर जी, दिस इज जीजा। राउडिज्म को रोकने के लिए हीरोइज्म बढ़िया दिखाते हैं फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में राउडिज्म ही हीरोइज्म होता है। तुम्हारे साथ मीटिंग में जितने लोग हैं उनमें से आधे मेरे लोग हैं। अभी क्या उखाड़ने के लिए रखी है वो मीटिंग? ए, हिम्मत है तो छिप मत। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी को भी छोड़ना मत, एक एक को पकड़कर अंदर डालो। आई वॉन्ट दिस कट बिहाइंड द बार। कमिश्नर साहब। सर, मैं अपनी गाड़ी में जाता हूं, पर कॉनवॉय को मेरे साथ मत भेजना। वो किस लिए सर? हम जब किसी इंसान को टारगेट करते हैं तो वो भी हमें टारगेट कर रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके सर। चल अंदर। हेलो। हेलो सर, आप सेफ हो ना? हाँ सेफ हूँ। सभी अरेस्ट ठीक से हो रहे हैं ना? हो रहे हैं सर, कल शाम तक जीजा को अरेस्ट कर लेंगे। किसी भी हालत में वो मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर।
हेलो हेलो होम मिनिस्टर जी। ए, अब तक तुम मरे नहीं क्या? एक्सपेक्टेड। एक बार टक्कर मारने से काम नहीं होता है, इसलिए सेकेंड टाइम का प्लान किया है, राउंड टू। नहीं, 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 नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, पता है, पता है। नहीं नहीं नहीं, ए जीजा, सारे लोगों को छोड़ दो, छोड़ दो। गाड़ी रोक। ये कौन है जिसने कार को रिवर्स में पार्क कर दिया? उतरो रे। अरे क्या बात है, क्या हो गया? ब्रिलियंट पार्किंग। अरे इतना क्या शर्माना, कार में ही सो सकता था ना, बाहर कहीं को। भाई लगता है इसके मुंह पर किसी ने सॉस फेंक दिया। ये तो भीगा है। ए, इट्स एन एक्सीडेंट मैन। एक्सीडेंट बोले तो हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पागल है क्या, इस तरह के लफड़े में पड़ना है क्यों? अरे भाई हम जब दारू पीते ना तभी कोई अच्छा काम करते हैं, आम तौर पर तो करते ही नहीं है। कम ऑन, लेट्स सेविंग मैन। कितना भारी है ये। ए होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, रुको रुको। गैस बंद। उतरो रे, उतरो। अरे सुनो, कोई मरने की हालत में था तो उसको लेकर आए, आके बचा लो। भाई हम लोग जहाँ पर आए हैं वो हॉस्पिटल ही है ना? फिगर मस्त है, ये सब नर्स ही है, पक्का हॉस्पिटल है। उन्हें लेकर तुम लोग आए हो क्या? उन्हें लेकर तुम ट्रैक्टर पे आए हो? तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। वो मर गया या जिंदा है पहले ये पता कर लो, बाकी क्या फर्क पड़ता है। क्या आदमी हो यार। छी भाई, हम किसी फिल्म के एक्टर को लेकर आए हैं क्या जो इतना बिल्टअप दे रहा है ये? मुझे भी वही डाउट है, मैंने किसी सीरियल एड में कहीं तो देखा है ना। मुझे भी वही लग रहा है भाई। करेक्ट है यार, करेक्ट। बहुत नींद आ रही है भाई, सो जाता हूँ। या मिनिस्टर साहब सेफ हैं, नथिंग टू वरी। हाँ हाँ हाँ, वो अपने पर्सनल कार में गए थे इसलिए ऐसा हुआ। नहीं नहीं सर, मैं उनके पास में ही हूँ, इंक्वायरी चल रही है ऑलरेडी। सर मुझे यहाँ एडमिट किसने? सर वो नीचे है सर, उन्हें बुलाओ। ओके ओके सर, बुलाता हूँ। सर बुला रहे हैं। जाकर बोल दो ये सर सो गए। बुलाने वाले सर हैं भाई। ए सर 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 कहकर कब से जान खा रहा है बे? कौन है तुम्हारा सर? चलो चलते हैं। भाई भाई प्लीज भाई, हो गया क्या? भाई भाई चल ना भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई, चल ना। तुम लोग आराम करो। अरे बाप रे, क्या है ये, फाइव स्टार होटल लग रहा है। स्टडी सर बोले तो आप ही हैं क्या? भाई थैंक्स भाई। आपने कुछ और बात करने का फिक्स किया है क्या? मेहरबानी करके रोक दो प्लीज, जोरदार नींद आ रही है, फुल टाइट हो चुका हूँ मैं। घर जाऊंगा तो माँ डांटेगी। आप यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, एसी बहुत ठंडा है। आज रात को मैं यहीं पर, ओके चलेगा ना, यहीं पर रिलैक्स करता हूँ। हेलो मास्टर, कल सुबह शार्प 9 बजे उठा देना, भूल मत जाना। ओके गुड नाइट। अरे यार सर बहुत घूम रहा है। कहाँ हूँ मैं? अरे 9:30 बज गए। अरे ओ बड़े भाई,
सुबह 9 बजे उठाने के लिए बोला था ना, क्या यार तुम भी। अभी घर जाऊंगा तो कितना बड़ा बवाल होगा पता है। जा रहा हूँ मैं। अरे मेरी बात सुनो भाई। क्या है? मैं कौन हूँ जानते हो क्या? रात से इतना बड़ा बिल्टअप दे रहे हो, कौन हो भाई तुम? होम मिनिस्टर। ओ कांग्रेचुलेशंस, नाइस टू मीट यू सर। मेरा नाम है 30 मार खान। भाई अगर कभी जरूरत हो तो मेरे पास आना, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत हो तो बजाइएगा ऐसे चुटकी। चलता हूं सर। अरे इसकी तो ज्यादा पी ली है, अभी देख लेगी तो पता नहीं क्या होगा। सेट है। नहीं देखेगी तो अच्छा है। ए देख लिया। बोलो माँ। रात भर कहाँ थे तुम बताओगे? वो तालाब के पास गणपति की मूर्ति है ना, विसर्जन के लिए फ्रेंड्स के साथ उस तरफ गया था। एक पैग लगाने के लिए बोला तो सोचा कोई परवाह नहीं, तीर्थ समझ कर लगा देते, ये सोच के मार ली। चढ़ी ही नहीं माँ, फिर और 2 मार ली, नहीं चढ़ी, 3 मारी, नहीं चढ़ी, चढ़ी नहीं रही है ये सोचकर 4थी 5वीं 6वीं सब मार ली, फिर चढ़ गई माँ, तो फिर रात में वहीं पर सो गया। ये फालतू काम कितना अच्छे से बता रहे हो मुझे, कहाँ थे तुम? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। कूल माँ, चल जल्दी से इसके पहुंचा। और चक्कर कहाँ जा रहे हो? क्लब जा रहा हूँ। सुबह सुबह क्लब जा रहे हो, क्या बात है। प्रेस क्लब जा रहा हूँ। सॉरी सॉरी, ठीक है जाओ जाओ। बहुत ज्यादा सोचते हो और बहुत बोलते भी हो। नाइस ग्लैमर यार 30 मार खान। बाय माँ। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ वो सनी ने कहा है कि कॉलेज में छोटा सा सेटलमेंट। क्या कहा? वो कॉलेज में सनी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको ठीक से पढ़ने के लिए बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम किसी काम के हो नहीं, और ये जिम किस लिए डाला है? बिजनेस करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पहले जिम जाओ और देखो कलेक्शन कितना है। ओके माँ। बिजनेस के बाद ही सब कुछ। समझ में आ गया ना? हाँ समझ गया माँ। जाओ तुम काम करो अपना। ए जाना। बाप रे ये तो अरुणा ईरानी है। अरे यार सुबह सुबह बारिश कहां से आ गई, पूरा गीला कर दिया। 30 मार खान, बढ़िया। ए, इतना स्लो भागेगा तो टायर कैसे पिघलेगा? अरे फास्ट करो ना। ये सब क्या है यार, इतना स्लोली कोई करता है क्या? लड़कियां हैं यार, लड़कियां होती तो अच्छा होता ना। ए, दोनों एक ही जगह क्या उखाड़ रहे हो, जाओ दूसरा काम करो। हैंगओवर कम नहीं हुआ क्या भाई? नहीं यार अभी तक नहीं, घर में कैसे कैसे मैनेज करके आया हूँ। अच्छा भाई कलेक्शन कैसा है? कुछ भी नहीं। ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा, इतने लोग तो आ रहे हैं ना। जान पहचान वालों के साथ बिजनेस करेगा तो यही होगा, यहाँ कलेक्शन नहीं बस खाता खुलता है। ऐसा रहेगा तो हमारी तरक्की कब होगी यार। ए भाई जरा उसको देख, वो भले ही जिम कर रहा है लेकिन उसके बाजू वाले बॉडीगार्ड है। ये होती है असली लाइफ। और हमको देख यार, जंग लगी हुई जीप, छोटे मोटे सेटलमेंट्स, वेरी बैड। ये क्या है यार? अपना ही है, ऑफर है। हम खुद ऑफ होने की हालत में, ऐसे में ऑफर, काम कर अपना। क्यों भाई कैसा है? भाई नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। हाँ कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, अभी हम यही बात कर रहे थे। किसी चीज की जरूरत हो तो आके मिल लेना। जरूर भाई, ठीक है भाई।